आयशा आप कह रही हैं मैं अपना फेस शो करूं। जी ज़रूर ज़रूर, अभी तो मैं आपको पार्लर ही दिखा रही हूं। ये हमारा फेशियल रूम है, आयशा। अच्छा मैं अपनी तरफ कैमरा घुमाऊं तो सैलून ना दिखाऊं आपको। ये हमारा ब्राइडल रूम है सारा, ये देखिए ये हेयर सेक्शन है। अभी तो हमारे जो मेन फ्लोर है, अभी तो हमने आपको पूरा पार्लर दिखा ही नहीं, दे थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले हमारे सैलून का। जी उम्मीद ज़रूर, चार्जेस क्यों नहीं कम करेंगे, हम डिस्काउंट भी देते हैं। लोगों के जहन में शायद ये नरगिस का पार्लर है और बहुत महंगा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े नॉर्मल रेट्स हैं यहाँ पे, ताकि हर औरत जो है आसानी से अफोर्ड कर सके। जी ज़रूर, पार्टी मेकअप के भी चार्जेस कम करेंगे। जी किरण ज़रूर आप चक्कर लगाइएगा। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कोई भी बैड कमेंट ना करें, क्योंकि लेडीज़ हैं हमारे साथ और मैं फील्ड अरसा दराज से छोड़ चुकी हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई बैड कमेंट करे, क्योंकि बैड कमेंट जो भी करता है उससे उसकी घर की तरबियत जाहिर होती है कि उसके घर की कैसी तरबियत हुई हुई है। तो लिहाजा मुझे अच्छा लगेगा अगर अच्छे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करें, बुरी बात ना करें। जवाब हमें भी देना आता है लेकिन चूंकि फ़ीमेल्स हैं तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और मैं बाकी की फ़ीमेल्स को भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी बैड कमेंट करता है उसको राइट अवे जवाब दिया करें, उनको पता चले कि औरतें जवाब भी दे सकती हैं बुरी बात का। जी मेरी बहन की डेथ हो गई लास्ट ईयर, बस अल्लाह का हुक्म। थैंक यू जी आपने अफसोस किया। ये फ़ोटोशूट हो रहा है यहाँ पे। शाजिया मेकअप के आप रेट्स लेने के लिए आपको पार्लर आना पड़ेगा या आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन लें। रिबॉन्डिंग भी होती है, कैराटीन भी होती है। जी देखिए ये फ़ोटोशूट हो रहा है इस वक्त, क्योंकि हम फ़ोटोशूट का मेकअप इसलिए आपको दिखाते हैं कि जो फैमिलीज़ होती हैं वो अलाउ नहीं करती कि वो अपनी बच्चियों की तस्वीरें या कोई ऐसी मेकअप की तस्वीरें और शादी की तस्वीरें पोस्ट करें। हम तो कुछ लोग तो अलाउ कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए यही वो वजह है कि हमें मॉडल्स को इकट्ठा करके और उनको फिर लुक्स मतलब डिफरेंट लुक्स दे के, जैसे वलीमा लुक, बारात लुक, उसके मुताबिक फिर हम लोग उसको तैयार करते हैं और आपको अपना मेकअप दिखाते हैं। ये हमारी मेन हैं जी वर्कर, जो प्रिंसिपल वर्कर मेकअप करती हैं ये हैं जी, और बहुत अच्छा मेकअप करती हैं ये भी। लेकिन ये इस वक्त जो इस दुल्हन का हुआ है वो है डायमंड सिग्नेचर मेकअप। उम्मे आप मेरी सिस्टर का पूछ रही हैं। जी ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के आगे तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो बाकी अल्लाह पाक मेरी बहन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और बहुत अच्छी मेरी बहन थी, उसके साथ दुआएं भी बहुत थी। खैर अरूज हमारा पॉलर जो है इकबाल टाउन मून मार्केट में है, जहां हमारा पहले मेरी सिस्टर्स के पॉलर भी हैं, वहीं पर मेरे पॉलर को भी 8-10 साल हो गए हैं। और लेकिन चूंकि पहले मैं खुद नहीं होती थी, अब मैं खुद पार्लर पे होती हूँ, अब मैं सारा ध्यान जो है मेरा पार्लर पे है, सारा काम जो है वो पार्लर का ही सिर्फ करती हूँ। ये हमारे बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं हमारे आसिम भाई, ये शान स्टूडियो से
वो भी सबको हेलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टोटल काम यही करते हैं आसिम भाई, और ये इनके छोटे भाई हैं, इनके वालिद साहब भी हमारे साथ काम करते हैं, और ये बहुत ही प्यारी फोटोग्राफी करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। इनका शान स्टूडियो है जी। तो ये सब आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन है। आप ये देखिए ना, अगर मैं किसी को सिलेक्ट करके बुला रही हूँ तो इसका मतलब अच्छा ही काम करते हैं, तो मैं बुला रही हूँ। मैं तो सबको जानती हूँ, लेकिन बुलाती सिर्फ आसिम भाई को, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है। जी आयशा, मेरा हेयर कट जो है, जैसे लेयर कट में ही शॉर्ट कट हुआ है मेरा, आप पूछ रही है, मेरा हेयर कट जो है वो लेयर कट में ही है, लेयर बनी हुई, लेकिन शॉर्ट में है, लॉन्ग लेयर में नहीं है। माशाल्लाह से आप हमारी ब्राइड देख रहे हैं, ये सॉरी सिद्रा, आपका मैंने ऊपर कोई मैसेज पढ़ा नहीं, आपने कहा कि आपने आंसर नहीं किया, सॉरी, असल में कुछ मैसेजेस निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। ज़हरा आपने पूछा कौन सी बहन, जी मुझसे बड़ी बहन थी जो सीमी पार्लर वाली, उनकी बात हो रही है। माशाल्लाह नसरीन आगे से, माशाल्लाह देखिए जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने मेकअप के लिए? जी मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, आज का मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, कल भी बहुत अच्छा हुआ था, कल लाइट था, आज स्मोकी है, तो दोनों बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने चाहा था वैसे ही है। और बाकी आप लोग आए विजिट करें तो आप खुद जानेंगे कि कितना खूबसूरत मेकअप करती हैं। जी थैंक यू सो मच। अच्छा आप अभी किसी ने पूछा कि फोटोग्राफर के भी प्राइस इंक्लूड है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपको फ़ोटोशूट करना है तो आप हमें कह सकते हैं, हम आपको शान स्टूडियो का नंबर भी देंगे, इनसे आपकी बात करा देंगे, फिर ये इवेंट पूरे पूरे शादी के इवेंट्स करते हैं, ये आपको खुद ही बताएंगे। आप अपना इनका नंबर हमारे पेज पर है, जो ये फ़ोटो हमारी जितनी भी फ़ोटोशूट्स होते हैं वो यही करते हैं आसिम भाई, और इनका शान स्टूडियो है, इनका नंबर भी हम आज पोस्ट कर देंगे, ताकि आप लोग अगर फ़ोटोशूट करवाना चाहें तो इनसे रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। किसी ने कहा कि 2005 में मेरी सिस्टर ने उनका मेकअप किया था, उनकी वाइफ का। जी बस जी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, दर्जात बुलंद करें मेरी बहन के। थैंक यू सो मच हिना, वो हिना है वो कह रही हैं ये बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, हमारा मेकअप बहुत अच्छा है, लेकिन आज तक लोगों को ये पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था अपने पार्लर पे, अपने काम में बिजी थी, शोबिज छोड़ा तो फिर जाहिर है सारा ध्यान ही अभी पार्लर पे है। खुद भी मैं फील्ड में आने से पहले भी ब्यूटिशियन ही थी, इसी फील्ड से रिलेटेड थी, सारी ज़िंदगी मैंने अपना मेकअप भी खुद किया है। अभी नीलम भाभी ज़रा दुल्हन का टिक्का ठीक कर रही हैं, देखिए, लेकिन नीलम भाभी बोलती ही नहीं है, पता नहीं क्यों।